ये फर्क है। विश्वास का दूसरा नाम है मोदी ग्यारह। अभी समाज में, देश में, राज्य में दूसरी कोई गारंटी नहीं चलती है। क्या चलती है? मोदी गारंटी। और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गया। और हमारे मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल राशन देने की घोषणा की, रोटी कपड़ा मकान देने वाले हमारी प्रधानमंत्री है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, देश के प्रगति के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनना जरूरी है ना। और ये चुनाव सिर्फ 2 लोकसभा का चुनाव नहीं, ये सिर्फ प्रतापराव चिखली चिखलीकर का चुनाव नहीं, ये सिर्फ बाबूराव कदम का चुनाव नहीं, ये सिर्फ नांदेड़ और हिंगोली का चुनाव नहीं, ये देश के विकास का चुनाव है, देश के प्रगति का चुनाव है। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ मजबूत नहीं 11वें से 5वें पर लाया, अब निर्धार और संकल्प किया है 3रे पे लाने का। इस देश को महासत्ता बनाना है तो सिर्फ मोदी जी बना सकते, यह विश्वास पूरे देश में है। और निश्चित रूप से राम मंदिर हो, 370 हो, यह हटाया, इसे कहते हैं मोदी गारंटी, इसे कहते हैं मोदी गारंटी। और देखिए कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ झड़ रहे हैं, हमें उनको गिराने के लिए कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। चुनाव प्रचार में भी, जाहिरनामा में भी मोदी जी के गारंटी का शब्द उन्होंने चुरा लिया है। ये भी देखो उनके पास अपने कोई शब्द नहीं है, सत्ता में रहते हुए तिजोरी को लूटा, अब ऐसी चोरी चपाटी कर रहे हैं। मराठी में कहावत है कि जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं, ऐसी उनकी हालत है। गांधी परिवार को अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। और जिसे अपने जीतने की गारंटी नहीं, वो देश की क्या गारंटी दे सकता है, ये भी ये देशवासी सोच रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस का है, लेकिन देश की जनता सपने में भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि एक तरफ मोदी जी ये देश के विकास पुरुष, देश को आगे ले जाने वाले, देश की प्रगति करने वाले, दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले, और दूसरी तरफ खुद को जीतने की गारंटी नहीं, विदेश जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का बदनामी करते हैं, देश की बदनामी करते हैं, ऐसे राहुल गांधी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये किसी ज्योतिष को कहलाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने तो इसरो के माध्यम से यहां पर
चांद्रयान का यशस्वी लॉन्चिंग किया, लेकिन कांग्रेस ने कई बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग करने की कोशिश की, लेकिन 50 साल हो गए अब तक तो उनकी लॉन्चिंग नहीं हो सकी। ये तो दुर्भाग्य है। और ऐसे ऐसे समय में जीतेंगे तो मोदी ही, जीतेंगे प्रधानमंत्री, और तीसरी बार हैट्रिक करेंगे मोदी जी। और इसलिए 2024 तो क्या लोगों ने तय कर लिया है, 2024 में जब मोदी जी ने लोगों की गारंटी ली थी तो 2024 में हम पूरे देशवासियों ने या महाराष्ट्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने की गारंटी ली हुई है। घेतली ना अपन गारंटी? इंडिया गाड़ी के पास अहंकार है, वो उनको विनाश के ओर ले जाएगी। मोदी जी के पास आत्मविश्वास है, वो विश्वास विजय की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, मोदी जी ने अपना जीवन पूरा देश के लिए समर्पित किया है। एक भी छुट्टी 10 साल में नहीं ली। 10 साल के पहले 2014 में दंगे, घोटाले, भ्रष्टाचार, बम स्फोट हो रहे थे। अब मुझे बताओ, एक भी दंगल नहीं, एक भी बम स्फोट नहीं, एक ही भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके मोदी जी के ऊपर। इतना साफ सुथरा हमारा प्रधानमंत्री है, ये बेदाग है और वो दागी है। और इसलिए लोग पूरी तरह संभल के समझ के वोट करेंगे। मोदी जी का जन्म राजनीति के लिए नहीं हुआ, राष्ट्रनीति के लिए हुआ है। यह फर्क है कांग्रेस, इंडिया अलायंस और हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मोदी जी की पहचान है। और इसलिए एक सिख भाई है यहाँ पर नांदेड़ में, बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ भी मोदी जी का अटूट रिश्ता है। ये तीर्थ दरबार साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस कांग्रेस को याद नहीं आई, लेकिन मोदी जी ने बनाया वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिख बंधु को भी मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और मोदी गारंटी पर विश्वास है, मैं इतना ही कहूंगा। और फिर एक बार मैं मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं। आपके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में कई सर्वांगीण विकास हो रहा है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। अटल सेतु का उद्घाटन आपने किया, समृद्धि हाईवे का उद्घाटन आपने किया, जो महाविकास आघाड़ी ने प्रोजेक्ट रुकाए थे वो आपने शुरू किए, हमारी सरकार ने शुरू की। किसान, महिला, गरीब, युवा, सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग न्याय देने का काम आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है वो 50-60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, अगले 100 साल में भी ये नहीं कर पाएंगे। इतना काम 10 साल में किया है। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चारों तरफ विकास कर रही है, लोगों को योजना दे रही है, शासन अपना दारी कर रही है, महिलाओं को, किसानों को, सभी लोगों को साथ में लेके जाकर विकास हो रहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये विकास डबल इंजन की सरकार के लिए हो रहा है। और इसलिए लोग ने मन बनाया है इस बार पूरी तरह मोदी जी का साथ देने का, महाराष्ट्र की जनता ने मत बनाया है। कल के पहले चरण में जो विदर्भ में 5 सीटों पे चुनाव हुए, वो पांचों के पांचों सीट महायुति जीतेगी, ये 100% गारंटी है।
और इसलिए कुछ लोग मराठा आरक्षण के बारे में लोगों को भड़का रहे हैं। इतने साल मराठा आरक्षण नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 10% मराठा आरक्षण दिया।